नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, मैं वंदना। लॉकडाउन के बीच आज रामनवमी पूजा मनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के महावीर मंदिर के पास, और आप तस्वीर देखिए कि जहां से जो रास्ता शुरू होता है वहां पे बैरिगेटिंग पूरी तरह से लगा दिया गया है और पुलिस प्रशासन बल तैनात हैं। आपको बता दें कि हम लेकर चल रहे हैं आपको हनुमान मंदिर के गेट के पास में, जहां पे जो दरवाज़ा है वो पटबंद है। आप देखिए तस्वीर के माध्यम से कि किस तरह से जो महावीर मंदिर का जो दरवाज़ा है वो पूरी तरीके से लॉक है, क्योंकि कोरोना को लेकर के देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। लोग घर से घर में रह रहे हैं और घरों में ही पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन ये 1983 से ही महावीर मंदिर में जो पूजा अर्चना लगातार से होते आ रहा था, इस बार यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है और बिल्कुल तरीके से महावीर मंदिर वीरान दिखते नज़र आ रहा है। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि पुलिस प्रशासन का यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किया गया है कि ताकि किसी तरह का कोई यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो भीड़ ना लगाएं। आप देखिए कि माला का जो दुकान है, नैवेद्यम का जो दुकान है, वो सभी बंद हैं, कहीं भी एक भी दुकान नहीं खुला हुआ है, और जो महावीर मंदिर का गेट है वो बिल्कुल तरीके से बंद है। लॉकडाउन की स्थिति पूरे देश में बना हुआ है और बिहार में भी इसका असर है। महावीर मंदिर में जो श्रद्धालु हैं वो आज के दिन हनुमान जी का जो दर्शन है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से ही हनुमान जी का दर्शन कराया जा रहा है। और इस बार महावीर मंदिर में रामनवमी नहीं मनाया जा रहा है। जो मंदिर के पुजारी हैं वही बजरंगबली का पूजा करेंगे और ध्वजारोहण करेंगे। इस बार श्रद्धालुओं की जो भीड़ होती थी वो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ रहती थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से जो मंदिर का जो परिसर है वो परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है, एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो यहाँ पे मौजूद हैं वो पुलिसकर्मी हैं, मीडिया बंधु हैं, और जो एक दो मंदिर के जो श्रद्धालु हैं वो अंदर में पूजा पाठ कर रहे हैं। आपको पता है कि हर साल रामनवमी के दिन में यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन इस बार कुछ नहीं हो रहा, कोई ऐसा चीज़ फंक्शन नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अनुमति नहीं दी गई है जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, क्योंकि कोरोना एक संक्रमित बीमारी है और यह दूसरों को भी संक्रमित करने वाला है। इसलिए सभी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो देश सरकार हैं, राज्य सरकार हैं, वो सब आदेश दिए हुए हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी। तो आप बात करेंगे पुलिसकर्मी से भी कि यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के किस तरीके का इंतजाम किया गया है। सर, सुरक्षा को लेकर के किस तरह से इंतजाम किया गया है, इंस्पेक्टर साहब से पूछिए ना। ये तो कोई भी बता सकते हैं ना, क्योंकि आप भी ठीक है, तो हम जानने का कोशिश करेंगे कि आप देखिए कि यहाँ पे बाहर से ही लोग प्रणाम कर रहे हैं। कितना आपको आज ये महसूस हो रहा है कि आप यहाँ होकर के भी बजरंगबली का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं? जी, लॉकडाउन के वजह से अब देखिए सारी जनता प्रॉब्लम है, हम लोग खुद प्रॉब्लम में हैं, लेकिन अब आए हैं तो थोड़ा सा हम चाहते थे कि बाहर से ही दर्शन कर लें, सो हम बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। आप हर साल यहाँ दर्शन करने आते थे? जी, हर साल नियम से आते थे। आप किस तरह का पूजा पाठ कर रहे हैं? घर में ऐसे ही जैसे घर में हम लोग नॉर्मल जो करते हैं। जी, तो आप देखिए कि जो भक्त हैं वो उनसे रहा नहीं गया और ये दर्शन करने यहाँ तक पहुँच चुके हैं, बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं और भगवान से कामना कर रहे हैं कि सुख शांति बनी रहे, देश से जो कोरोना है वो जल्दी भागे, ताकि हम लोग फिर से भगवान का दर्शन कर सके, पूजा पाठ कर सके, क्योंकि यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इस महामारी से सभी को बचना है, क्योंकि एक ये जो त्यौहार भी एक आता है इसी बीच, वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सर, किस तरीके का इंतजाम किया गया है इस बार हनुमान मंदिर में? एक मिनट सर, कोरोना के लेकर देख रही हैं कि नहीं, मतलब एक ही आदमी को लाने जाना नहीं है, सुरक्षा की पूरा व्यवस्था हम लोग किसी को आने नहीं दे रहे हैं और सब शांति है, ठीक है सर जी। आप लोग को यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती सुबह से ही कर दी गई है? हाँ, भोर से ही, 3 बजे भोर से ही हम लोग हैं। बैरिगेटिंग भी हर तरफ लगा? हाँ, सब जगह लगा हुआ है, एकदम चाक चौबंद व्यवस्था है, किसी को आने नहीं दे रहे हैं जी। हाँ, कोरोना वायरस के लेकर जी। आप क्या कामना करते हैं भगवान से आज, क्योंकि ऐसे मामलों में भी है, क्या अपील करते हैं देशवासियों से? सुख शांति से रहें, निमें अच्छा से शांति से बीत जाए,
यही हम लोग मनोकामना है, हम लोग का कामना करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप सुन लिए कि क्या पुलिस प्रशासन के तरफ से जो पुख्ता इंतजाम किया गया है उसके बारे में भी हम आपको रूबरू कराएं, और वो भी देशवासियों को रामनवमी की बधाई दें, और साथ ही सुख शांति बनी रहे इसकी भी कामना उन्होंने किया, और साथ ही जितना जल्द कोरोना जैसे महामारी जो बीमारी है उससे मुक्ति मिले, यही सब कामना सभी लोग मिल करके आज कर रहे हैं। इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।